अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। इसके हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ये 200 ग्राम उबले हुए आलू है। इसमें हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। इसमें हम डालेंगे राई, से हम अच्छे से फूटने देंगे। इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। दोनों को अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। दो चम्मच हरी मिर्ची पेस्ट। तेज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले। हल्दी पाउडर, से हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू, से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक। कटा हुआ हरा धनिया, से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे अच्छे से मैश करें। इसमें हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। ज़रा सा धनिया डालेंगे इसमें। अब ये रोल बनाने के लिए हमने ब्रेड के साइड के पार्ट काट दिए। ऐसे हल्का सा पानी में डिप करके इसका पानी निकाल लेंगे और फिर इसमें हम अपनी स्टफिंग डालेंगे। आप इसी तरह से इसकी स्टफिंग करें तो आपके रोल नहीं खुलेंगे। इसे अच्छे से दबाकर रोल बना ले। आप इसी तरह से सारे रोल बनाए। आप गीला करके अगर रोल बनाते तो ये नहीं खुलते हैं तेल में। रोल में ज़्यादा पानी ना रखें। इसी तरह से सारे रोल बनाए। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करें।
हमारे रोल फ्राई हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।